जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भाव सर। तो ये दो ब्लैंकेट हमारे पास ड्राई क्लीनिंग के लिए आए हैं, डबल बेड ब्लैंकेट हैं दोस्तों, और ये डबल लेयर वाला है। तो ये डबल बेड के दो बिग साइज के ब्लैंकेट है दोस्तों, और इनको ड्राई क्लीनिंग करना है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं सारे केमिकल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, तो ये दो ब्लैंकेट में से एक ब्लैंकेट की आपको ड्राई क्लीनिंग करके दिखाऊंगा मैं, येलो वाले की। देख लीजिए इसका जो है ना मैल है, यहाँ पे कैमरे में नहीं ठीक से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डर्टी डर्टी दिख भी रहा है और है भी। ओके, तो हमें इसको अच्छे से फ्रेश और क्लीन करना है, करना दोनों को है, बट मैं एक का प्रोसेस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए दोस्तों, पूरा केमिकल और सारा प्रोसेस मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। तो इतना मैंने इसमें पानी लिया है, कम से कम 40-45 लीटर के आसपास होगा। तो दोस्तों, हमें ब्लैंकेट से स्मेल रिमूव करना है, डस्ट रिमूव करना है, बैक्टीरिया भी रिमूव करना है दोस्तों। तो ये जो मैं केमिकल का जो मिक्सचर बनाऊंगा ना, ये थोड़ा सा डेडली है, और आप घर पर इसे नहीं ट्राई कीजिए। ये हो गया 20 ml IFB लिक्विड, ये और हो गया 20 ml IFB लिक्विड, कुल मिला के 40 ml तक IFB लिक्विड हो गया है। ये इससे जाएगा आपका स्मेल अच्छे से जाएगा। तो 40 ml IFB लिक्विड डालने के बाद में, क्योंकि डबल बेड ब्लैंकेट है दोस्तों, पानी भी हमने ज्यादा लिया है, इसीलिए मुझे लिक्विड डिटर्जेंट थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें ना पाउडर वाला कोई भी केमिकल यूज नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। ना मैं डिटर्जेंट पाउडर यूज करने वाला हूँ, ना मैं सोडा एश यूज करने वाला हूँ, और हमें सब कुछ क्लीन करना है इसका, इसका डर्ट निकालना है, स्मेल रिमूव करना है, बैक्टीरिया फ्री करना है, और फ्रेश ग्लेज भी उसके ऊपर लाना है दोस्तों। हम इसके ऊपर हाइपो लिक्विड ब्लीच, जो एक ब्लीच केमिकल का मिश्रण है, ये भी हम थोड़ा सा यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो ये कम से कम 20-25 ml तक होगा, और मैं कम से कम 40-45 लीटर पानी में यूज कर रहा हूं दोस्तों। ओके, ये हो गया, बट आप यूज नहीं कीजिए, क्योंकि मुझे बैक्टीरिया भी रिमूव करना है ना, इसलिए मैं इसे 30-40 ml तक मैंने यूज किया है 40-45 लीटर पानी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप नए हो ना तो ब्लीच अवॉइड करना है आपको। तो ये डबल बेड का ब्लैंकेट है किंग साइज, और मेरा वॉशिंग मशीन छोटा है, तो ये इसमें एक डबल बेड आता है और एक सिंगल बेड ब्लैंकेट आता है दोस्तों। लास्ट में डालेंगे अमोनिया लिक्विड। तो जब मशीन घूमता रहेगा ना, तब मैं डालूंगा, क्योंकि ये इस तरह से डालूंगा ना तो बहुत ज्यादा स्मेल आएगा, मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे। इसको 20 मिनट तक वॉश होने देंगे दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, इसका 20 मिनट का वॉश कंप्लीट हो गया है। अभी मैं पूरा पानी निकालूंगा और साफ पानी से एक बार इसको वॉश करूंगा दोस्तों। एक बार मैंने साफ पानी से इसको वॉश कर दिया है, नॉर्मल पानी से। अब मैंने वापस पानी फिलफुल कर लिया है मशीन में, और इसमें मैं डालूंगा 3 Premium Soft। ये मैं स्पेशली ब्लैंकेट के लिए यूज करता हूँ, नॉर्मल भी ब्लैंकेट से स्मेल अच्छा आएगा, और ये कॉन्सेंट्रेट है, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ दोस्तों।
ब्लैंकेट से स्मेल भी अच्छा आएगा और ब्लैंकेट अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। अभी इसको मैं 5 मिनट इसमें वॉश करूंगा, उसके बाद में ड्रेन कर दूंगा और हाइड्रो से निकालने के बाद में आपको दिखाता हूँ दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और ये जो केमिकल मैंने लिए है ना, तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अमोनिया लिक्विड ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको, और हाइपो लिक्विड भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में ही सर्च करना पड़ेगा। बाकी आईएफबी लिक्विड, प्यूरेना लिक्विड और प्रीमियम सॉफ्ट रेडलिंग का ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन बाय कीजिए और मुझे भी फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी मैं हाइड्रो से निकालने के बाद में आपको ब्लैंकेट दिखाता हूँ। तो ये हमने हाइड्रो में डाल दिया है ब्लैंकेट, 2-3 मिनट के बाद में इसको निकालते हैं। तो इसमें किसी तरह का भी डस्ट वगैरह नहीं निकलता है। हाइड्रो से निकलने के बाद में ना 75% 80% पानी इसमें से पूरा रिमूव हो जाता है दोस्तों। तो दूसरे ब्लैंकेट को भी मैं इसी तरह से वॉश करने वाला हूँ, सेम इसी केमिकल में, इसी प्रोसेस में। तो बस यही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, काफ़ी सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्टेड किए हैं, तो जाके चेक कीजिए और बाय कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।